हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आज का जो मेरा वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन में खिले हुए कुछ बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट दिखाऊंगा। दोस्तों, जब हमारे गार्डन में कोई भी फ्लावरिंग प्लांट अपनी फ्लावरिंग करता है तो हमारे गार्डन में खिला हुआ वो फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से फ्लावर मेरे गार्डन में खिले हुए हैं और मेरे गार्डन की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रिसेंथमम गुलदाउदी का प्लांट है। हालांकि मेरे पास गुलदाउदी के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं लेकिन उनकी जो फ्लावरिंग है पहले हो चुकी थी, ये जो प्लांट है इसकी फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसमें फ्लावर है और इसका फ्लावर का साइज भी कितना बड़ा है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको गुलदाउदी में काफ़ी सारे कलर्स होते हैं और ये प्लांट इसके खूबसूरत से फ्लावर के लिए लगाया जाता है और इसका फ्लावर एक बार खिलने पर महीनों तक खिला रहता है। डिफरेंट डिफरेंट शेड्स इस प्लांट की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, हमारे गार्डन को भी बहुत सुंदर बनाते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये देखिए पटूनिया के प्लांट, जो कि विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, काफ़ी सारे इसमें कलर्स आते हैं। मेरे पास इसके 2 से 5 कलर हैं। हालांकि कुछ में फ्लावरिंग अभी हो के हटी है और कुछ में फ्लावरिंग अभी हो रही है। ये प्लांट दोस्तों सारी सर्दी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए मेरे कैलेंडुला का प्लांट, जो कि पूरा फूलों से भरा हुआ है और इसका फ्लावर का साइज देखिए कितना बड़ा है। मेरे पास इसके 2 प्लांट हैं और दोनों ही प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं। हालांकि इन्हें मैंने एक छोटे से पॉट में ग्रो किया हुआ है। और उसके बाद ये देखिए मेरे बिगोनिया के प्लांट, मेरे पास बिगोनिया के 2 प्लांट हैं, 2 कलर्स हैं। ये भी प्लांट दोस्तों वैसे तो सारा साल ही हरा भरा रहता है लेकिन विंटर में प्लांट जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्टाइलिश प्लांट है। इसके साथ ही दोस्तों ये देखिए मेरा बहुत ही छोटा सा पेंजी का प्लांट, अभी कुछ समय पहले ही दोस्तों ये काफ़ी सारी जो है फ्लावरिंग करके हटा है, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है। फ्रेंड्स, देखिए रात के समय रात की रानी का प्लांट कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसके लगभग सभी फूल जो है खिले पड़े हैं। इतनी ज़्यादा खुशबू दोस्तों मेरे गार्डन के अंदर हो रखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आस पड़ोस वाले भी दोस्तों मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा कौन सा प्लांट लगाया है जो इतनी ज़्यादा खुशबू दे रहा है। और उसके बाद दोस्तों मेरे ये गेंदे की वैरायटी, गेंदे की ये जाफरी वाली वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती हैं। इसके मेरे पास 2 कलर हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए बोगनवेलिया का प्लांट, ये कलर जो है बहुत खूबसूरत लगता है इस प्लांट को। हालांकि मैंने जो है कटिंग से ग्रो किया था, अभी भी ये जो बोगनवेलिया का प्लांट है बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि चेंज ऑफ सीजन होने के कारण इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ रही हैं लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग हो रही है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों एक और बोगनवेलिया का प्लांट, ये भी पूरा फूलों से भरा हुआ है। ये भी कलर बोगनवेलिया का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी बंचेस में जो है फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। हालांकि इसका भी रेस्ट पीरियड है लेकिन फिर भी ये प्लांट जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरे प्लांट्स अच्छे लगे तो मुझे लाइक कर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।